हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग रस खान के सवैये कर रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए तैयार करके लाई हूँ तीसरा सवैया, जो कि रस खान जी का लिखा हुआ है। एक बार पहले हम इसे पढ़ लेते हैं जो हमें करना है आज। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भावत तो वो ही मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। ये है हमारा तीसरा सवैया, रस खान जी का लिखा हुआ है। तो भक्ति काल के मुख्य कवि थे सैयद इब्राहिम रस खान, जिनको रस की खान भी कहा जाता है। इनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं। रस खान का जन्म, जैसा कि डेटर्स बताते हैं, उस हिसाब से 1533 से 1558 के बीच, यानी 1533 से 1558 के बीच में माना जाता है। ये अकबर के शासनकाल, जो कि था 1556 से 1605, यानी कि 1556 से 1605 था, तो ये अकबर के समकालीन माने जाते हैं। यानी कि जिस समय भारत में अकबर का शासन था, उसी समय माना जाता है कि रस खान जी हुए थे। कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म स्थान पिहानी है, जो कि दिल्ली के पास में है, और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वे पिहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पैदा हुए थे। तो हम अब ये अपना सवैया कर लेते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखे हों, गुंज की माल गरे पहरोंगे। एक एक लाइन करके हम लोग कर लेते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरोंगे। बेटा, ये ब्रज भाषा है। अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे बार बार, तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगी, क्योंकि ये हमारी हिंदी से ही बिल्कुल मिलती जुलती भाषा होती है, हिंदी से ही जुड़ी हुई भाषा है बिल्कुल। तो मोर पखा कहते हैं मोर के पंख को। राखी हो का मतलब राखूंगी रखूंगी, गरे का मतलब गले, पहरोंगी का मतलब पहनूंगी। तो पहली लाइन का हमारा अर्थ हुआ, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी। यानी कि मैं मोर के पंख को सिर के ऊपर रखूंगी और गुंजे की माला को अपने गले में पहन लूंगी। आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखे हैं, गुंज की माल गरे पहरोंगी। इसमें मैंने साथ में शब्दार्थ भी दे दिए हैं। और गोपी है, वो अपने सखी किसी सखी से कहती है, किसी सहेली से कहती है कोई गोपी, कि कृष्ण जी मेरे प्रिय हैं, कृष्ण जी मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, तो मैं उनके प्रेम में आसक्त होकर, उनके प्रेम में डूब कर, वो मोर का पंख अपने सिर पर उसी तरह से सजा लूंगी, मोर के पंख को, जैसे श्री कृष्ण अपने सिर में सजाया करते हैं। और मैं भी ठीक उन्हीं की तरह, जैसे वो अपने गले में गुंजे की माला पहनते हैं, मैं भी वैसे ही गुंजे की माला पहन लूंगी। श्री कृष्ण जी, बेटा गुंजे जो होते हैं, जंगली फूल होते हैं, उनकी माला गले में पहना करते थे। तो कह रही हैं कि जैसे श्री कृष्ण अपने गले में माला पहना करते थे, ऐसे ही गुंजे की माला मैं पहन लूंगी। और जैसे वो अपने सिर पर मोर का पंख रखा करते थे, वैसे ही मोर का पंख भी मैं रख लूंगी अपने सिर पर। तो ये हमारी पहली लाइन क्लियर हो गई, कि गोपी कहती है कि मैं अपने सिर पर मोर का पंख सजा लूंगी और गले में गुंजे की माला पहन लूंगी। इसके बाद दूसरी लाइन है, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। इसमें ओढ़ का मतलब है ओढ़कर, पीताम्बर यानी पीताम्बर, जिसका मतलब होता है पीला कपड़ा, लय का मतलब लेकर, लकुटी का मतलब लाठी, बन का मतलब वन जंगल, गोधन का मतलब गाय, ग्वारिन का मतलब ग्वाले, संग का मतलब साथ, और फिरोंगी का मतलब घूमूंगी। यहाँ ये सभी के सभी शब्दों के अर्थ हो गए हमारे। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। पहली लाइन का हमारा मीनिंग बना था मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहनूंगी का बना था, कि गोपी कहती है अपनी सहेली से कि मैं भी अपने सिर पर मोर का पंख रख लूंगी, जैसे श्री कृष्ण रखते हैं, और ठीक वैसे ही मैं
अपने गले में गुंजे की माला पहन लूंगी। और इसके बाद दूसरी लाइन बनती है कि मैं ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वालिन संग फिरूंगी, यानी कि मैं भी उन्हीं की तरह पीले वस्त्र पहनकर हाथों में लाठी लेकर मैं भी उन्हीं की तरह ग्वालों के साथ गायों के पीछे घूम लूंगी, जैसा कि श्री कृष्ण किया करते हैं। यानी कि मैं उन्हीं की तरह कपड़े पहन लूंगी, उन्हीं की तरह मोर का पंख अपने सिर पर सजा लूंगी, उन्हीं की तरह जो है गुंजे की माला पहन लूंगी और उन्हीं की तरह मैं गायों के पीछे ग्वालों के साथ घूम लूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान। रसखान जी कहते हैं कि मुझे वो ही अच्छा लगता है, वो बहुत पसंद है। कौन? श्री कृष्ण। तो सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तो भावतों का मतलब अच्छा लगता है, वो ही का मतलब वही, सो का मतलब इसलिए, स्वांग का मतलब तमाशा, करूंगी का मतलब करूंगी। तो कहती है गोपी कि वो मुझे अच्छा लगता है, यानी कि कृष्ण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए तेरे कहने से मैं ये सारे स्वांग कर लूंगी। कौन कौन से स्वांग कर लूंगी, कौन कौन से तमाशे कर लूंगी कि उनकी तरह मैं अपने सिर पर मोर का पंख सजा लूंगी, उनकी तरह गुंजे की माला पहन लूंगी, उनकी तरह पीले कपड़े पहन लूंगी, उन्हीं की तरह ग्वालों के साथ गायों के पीछे पीछे घूम लूंगी और सारे के सारे तमाशे मैं कर लूंगी। अगली लाइन है, आखिरी लाइन है, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। मुरली कहते हैं बेटे बांसुरी को और मुरलीधर कहते हैं श्री कृष्ण को। अधरान यानी कि होठों पर, अधरा न, अधरा अधरान जब साथ साथ आ रहा है अधरा और न, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर होठों पर हो गया इसका मीनिंग, लेकिन जब अधरा न अलग अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब है होठों पर नहीं, धरोंगी का मतलब रखूंगी। तो इसका मीनिंग बनता है कि या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोंगी, यानी कि ये मुरली जो श्री कृष्ण अपने होठों पर रखते हैं, जिसे उन्होंने अपने होठों पर रखा था, उसे मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। यानी कि तेरे कहने से बाकी सब कुछ मैं कर लूंगी, जो भी तू कह रही है मैं वो सब कुछ कर लूंगी। क्या क्या कह रही है सहेली उसकी, गोपी की, कि मोर का पंख सजाओ सिर पर, गले में गुंजे की माला पहनो, पीले वस्त्र पहनो, गायों के पीछे घूमो ग्वालों के साथ। कहती हैं कि मैं ये सब कुछ कर लूंगी, लेकिन ये मुरली जो है जो श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखी हुई थी, इस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। गोपी का मानना है कि इस मुरली की वजह से ही श्री कृष्ण उससे दूर हैं। उसे लगता है कि जो कृष्ण जी हैं वो गोपी के मुकाबले अपनी मुरली को ज़्यादा पसंद करते हैं, अपनी मुरली में मस्त रहते हैं, इसलिए जो गोपी है वो मुरली को पसंद नहीं करती है, मुरली से उसको जलन हो रही है। तो कहती है कि मैं बाकी सब कुछ कर लूँगी, जो कुछ कृष्ण करते हैं उनकी तरह मैं सब कुछ कर लूँगी, उनके जैसा बनने की कोशिश कर लूँगी, लेकिन ये मुरली जो है जिसे वो अपने होठों पर रखते हैं, इसे मैं अपने होठों पर नहीं रखूँगी। तो पूरा भावार्थ इसका ये है कि यहाँ पर गोपियाँ जो हैं कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश करती हैं, उसका वर्णन किया गया है। कृष्ण गोपियों को इतने पसंद आते हैं कि वो उनके लिए वे सारे स्वांग करने को तैयार हो जाती हैं। वे मोर मुकुट पहनकर, गले में माला डालकर, पीले वस्त्र धारण कर यानी कि पीले कपड़े पहनकर, हाथ में लाठी लेकर पूरे दिन गायों और ग्वालों के साथ घूमने को तैयार हैं, लेकिन बस वो इतना चाहती हैं कि वो मुरलीधर के यानी कि श्री कृष्ण के होठों से लगी बांसुरी को अपने होठों से लगाना नहीं चाहती। इस बात के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इन पंक्तियों में कवि रसखान जी जो हैं उनका श्री कृष्ण और उनके गांव के गोकुल के प्रति लगाव का एक तरीके से बखान किया गया। रसखान जी मानते हैं कि जो हैं श्री कृष्ण जो हैं ब्रज के हर कण में बसे हुए हैं, हर जगह उनका वास है, इसी वजह से वो अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर। अच्छा, ये पिछले वाले का आ गया, ये इसको छोड़ देंगे हम। अगला है कि गोपी कह रही है कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर ये सब कर लूँगी, मगर मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई ये जो मुरली है अपने होठों से लगाने के लिए मत बोलना, क्योंकि इसी मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और उसे हमेशा अपने होठों से लगाए रखते हैं, इसलिए वे मुरली को अपनी सौतन की तरह से देखती हैं, उसे पसंद बिल्कुल भी नहीं करती हैं। तो इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हम लोग कर लेते हैं।
सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ये हमारा एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है बेटा, तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, सखी ने गोपी से कृष्ण का रूप धारण करने का आग्रह किया था। वो चाहती है कि गोपी भी श्री कृष्ण की तरह मोर का मुकुट पहने, गले में माला डाले, गुंजे की पीले वस्त्र धारण करके, हाथ में लाठी लेकर पूरे दिन गायों और ग्वालों के साथ घूमे। इससे सखियों को हर समय कृष्ण के रूप के दर्शन होते रहेंगे। अगला प्रश्न है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगे। यहाँ पर एक तो आप देख रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल हुआ है और दूसरा यमक अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। कवि ने ब्रज भाषा में बड़े ही कुशलता के साथ शब्दों को इस्तेमाल किया है और छोटी सी पंक्ति में कवि ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि गोपियाँ कृष्ण का रूप रखने को तैयार हैं, रूप रखने धरने को तैयार हैं, लेकिन उनकी मुरली को अपने होठों से लगाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये जो मुरली है ये उनकी सौतन है, वो उसको मतलब कि पसंद नहीं करती हैं मुरली को बिल्कुल भी। अगला प्रश्न, कृष्ण का रूप धारण करने के लिए गोपी कैसे वस्त्र पहनने को तैयार हो गई। गोपी जो थी वो कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कैसे वस्त्र पहनने को तैयार हो गई थी, पीले वस्त्र पहनने के लिए तैयार हो गई थी। पीतांबर कहा गया है ना बेटे, तो पीतांबर कहते हैं पीले कपड़ों को। गोपी जो है वो कृष्ण का रूप धारण करने के लिए पीले वस्त्र पहनने को तैयार हो गई। दूसरा प्रश्न है, गोपी श्री कृष्ण का रूप धारण करने को, स्वांग करने को तो तैयार थी, मगर वह क्या नहीं करना चाहती थी। तो हमने पढ़ा है कि जो गोपी थी वो श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर रखना नहीं चाहती थी, यही इसका उत्तर बनेगा। अगला है, गोपी श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती थी। क्योंकि जो गोपी है उसे मुरली से जलन होती है, उसे श्री कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या होती है, क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं वो अपनी मुरली को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो श्री कृष्ण की जो मुरली है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और इसीलिए कहती है कि मैं श्री कृष्ण की मुरली को, जिसे वो अपने होठों पर रखते हैं, उसे अपने होठों पर बिल्कुल भी नहीं रखूंगी। अगला प्रश्न है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। इसमें कौन सा अलंकार है बेटे? आपने अलंकार किए थे, मैंने आपको फर्स्ट टर्म में बताया था कि एक ही शब्द जब बार बार इस्तेमाल होता है और उसका अलग मीनिंग निकलता है तो वहाँ पर वो यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर अधरान और अधरान दो बार आया हुआ है और दोनों बार, पहली बार मीनिंग बन रहा है अधरान का मतलब होठों पर, और दूसरी बार अधरान न का बन रहा है होठों पर नहीं, यानी कि जो ये जो मुरली है श्री कृष्ण की जो वो अपने होठों पर रखते हैं, इसे मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। दोनों बार अलग अलग मीनिंग बन रहा है, इसलिए ये कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक है बेटे, अगले में मैंने फिर से इसी को ही एक बार सिर पे पढ़ने के लिए शेयर कर लिया है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरूंगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन गुआरन संग फिरूंगी। भाव तो मोहे मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग भरूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। ये हमारा रसखान जी का तीसरा सवैया था जो आज हमने किया। हम पहला और दूसरा सवैया पहले कर चुके हैं, कठिन शब्दों के हमने अर्थ किए, इससे जुड़े हुए जो प्रश्न बन सकते थे वो प्रश्नोत्तर किए हमने। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है बेटे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये ब्रज भाषा है, रसखान जी का लिखा हुआ सवैया है, बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हाँ थोड़ी सी नई है हमारे लिए, इसलिए आप लोग इनको बार बार पढ़ते रहिए, इनसे जुड़े रहिए ताकि आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आती रहें। तो हम तीन सवैये कर चुके हैं, अगर आपने पहले के दो सवैये नहीं देखे हैं तो आप दोनों सवैये भी यहीं पर इसी वीडियो पर इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। पहला सवैया और दूसरा सवैया पहले हम शेयर कर चुके हैं, ये तीसरा सवैया है और चौथा सवैया भी हम लोग बहुत जल्दी लेकर के उस पर हम डिस्कस करेंगे। इतने आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, साथ में बेटे लिखने का अभ्यास करते रहिए। शुभ रात्रि।